गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टाइल एंड स्ट्राइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। और आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ ग्लूटाथायोन की स्किन वाइटनिंग क्रीम और ग्लूटाथायोन का ही ये स्किन वाइटनिंग सीरम जो कि है ग्लूटालाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम एंड ग्लूटालाइट स्किन वाइटनिंग सीरम। सो ये बेसिकली जो इनका मेन इंग्रेडिएंट है ये ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन की ये बनी हुई है क्योंकि ग्लूटाथायोन जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे स्किन वाइटनिंग या फेयरनेस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आपकी स्किन रेडिएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और इवन टोन होनी चाहिए। तो ये जो क्रीम और सीरम है वो यही काम करता है, आपकी स्किन को एक रेडिएंट ग्लो देता है और आपकी स्किन को इवन टोन भी करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूटाथायोन क्या होता है। तो ग्लूटाथायोन एक अमीनो एसिड का कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और लीवर इसे प्रोड्यूस करता है और ये आपकी बॉडी में आपके जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होते हैं उसे प्रिवेंट करता है, उनसे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उससे भी प्रिवेंट करता है। तो मतलब कि ग्लूटाथायोन होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी में। तो कई बार क्या होता है कि एज के साथ ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ग्लूटाथायोन आप इनटेक भी कर सकते हैं, मतलब आप ले भी सकते हैं, विटामिन सी आप ले सकते हैं या फिर बहुत सारे सल्फर रिच फूड्स होते हैं जो कि आप ले सकते हैं ग्लूटाथायोन की इनटेक कर सकते हैं और उससे ग्लूटाथायोन इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे तो आप ग्लूटाथायोन इनटेक भी कर सकते हैं और ग्लूटाथायोन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास अब ये दो चीजें हैं जो कि आपको ग्लूटाथायोन इसमें प्रेजेंट है जो कि आपकी स्किन को एक रेडिएंट ग्लो देता है। तो ये है स्किन वाइटनिंग क्रीम, ग्लूटालाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम। इसके अंदर ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, कॉजिक एसिड है। आपको पता ही है विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और विटामिन सी से आपको आपकी स्किन को एक ग्लो मिलता है, आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा रेडिएंट हो जाती है और आपके स्किन पे जो भी ब्लिमिशेस हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और यही इस स्किन वाइटनिंग क्रीम का काम है, आपके स्किन पे ये एक ग्लो लेके आता है, जो भी ब्लिमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स है उसे कम करता है और आपके स्किन को एक ये नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइज रखता है आपके स्किन को होल डे। ये मैंने यूज करके देखा है। तो इसमें कॉजिक एसिड है, कॉजिक एसिड भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो ये आपके स्किन को एक यंगर लुक देता है, आपकी स्किन ग्लो करती है विद इन से ग्लो, एक ऐसा लगता है कि जैसे विद इन से ग्लो आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्रीम है आपको ये मिल जाएगी, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से आप क्लिक कीजिए, आप ले सकते हैं इस क्रीम को। तो ये क्रीम जो है बिल्कुल भी इसमें पैराबेन नहीं है, इसमें केमिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें केमिकल्स नहीं है। 50 ग्राम्स की क्रीम है और इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे मेंशन है जो कि मैं नीचे भी दे दूंगी इंग्रेडिएंट्स। तो विटामिन सी आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन के जो भी इश्यूज हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो है खत्म करता है और आपकी स्किन को एक वाइटनिंग इफेक्ट देता है, वाइटनिंग ग्लो देता है। और आपको कैसे लगाना है, आपको अपने क्लीन फेस पे ये क्रीम लगानी है और उसे स्प्रेड करना है, अच्छे से मसाज करना है। तो बहुत ही सिंपल है और डे टाइम पे आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे अपने मेकअप से पहले यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का टब आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे एक लिड है तो आप देख सकते हैं कैसा टेक्सचर है इसका, बहुत ज्यादा थिक क्रीम है और फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है, थिक क्रीम टाइप है ये। ऑफकोर्स ये क्रीम है तो क्रीम टाइप ही होगी लेकिन ये बहुत ज्यादा थिक है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसे लगाते ही एक ग्लो आता है आपके स्किन पे, ग्लो आपको दिखने को मिलेगा। तो अभी मैं अपने फेस पे भी इसे लगाने वाली हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अपने फेस पे तो आपने लगाया नहीं है, तो मैं इसे अपने फेस पे भी लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा ही आपको लेना है और आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है, ये आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा और साथ ही साथ एक ग्लो भी देगा, रेडिएंट ग्लो। अगर आप इसे डेली यूज करते हैं तो काफी अच्छा है ये, इसमें केमिकल्स नहीं है और ग्लूटाथायोन है तो ये आपके स्किन को फेयर भी करेगा, इवन टोन करेगा। तो ये वाली जो क्रीम है ये आप ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही में एक ग्लूटाथायोन सीरम भी जो मैं यूज कर रही हूँ वो फेशियल सीरम है, ये है ग्लूटालाइट स्किन वाइटनिंग सीरम।
तो ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल सीरम है, ये भी इसमें भी ग्लूटाथायोन है, वाइटामिन सी है, कॉजिक एसिड है। तो ये बेसिकली एजिंग के लिए है, एजिंग से प्रिवेंट करता है आपको, अगर आपके फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके स्किन पे कुछ स्कार्स हैं या ब्लिमिशेज हैं, तो उन्हें ये खत्म करता है। आपको ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करता है, रिन्यू करता है, आपकी स्किन को एक अच्छा से ग्लो देता है, टाइट करता है आपकी स्किन अगर ढीली पड़ चुकी है। ये एक एंटी एजिंग सीरम है और ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। आपके स्किन पे जो भी ब्लिमिशेज हैं, आपके स्किन पे जो भी स्कार्स हैं, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, उन्हें खत्म करता है धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं करेगा। बट अगर आप इसे डेली यूज करेंगे तो आपके स्किन से जो भी स्कार्स, जो भी ब्लिमिशेज हैं, वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन इवन टोन लगेगी। और आप इसे रात में लगा सकते हैं या दिन में भी लगा सकते हैं। अगर आप रात में लगाते हैं तो ज्यादा अच्छे से ये वर्क करता है, क्योंकि रात को आपकी स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिलता है थोड़ी देर तक, मतलब आपकी स्किन जो है वो रिन्यू होती है, रिवाइटलाइज होती है, तो ये वो काम करेगा आपके स्किन पे। तो इसे रात को लगाना है और रात को लगा के आप इसे सो जाइए, उसके बाद सुबह जब उठेंगे तो जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, आपके स्किन पे एक ग्लो आ जाता है। तो वो धीरे धीरे आता है, डेली अगर आप यूज कर रहे हैं तभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से ये सीरम है। ये इस तरह की बॉटल आपको मिल जाती है, पंप आपको मिल जाता है, बहुत ही इजी है इसे लगाना। तो आपके अपने स्किन पे इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए पंप में थोड़ा सा ये सीरम लेके, ये वाटर बेस्ड है, तो इस तरह से इसमें वाइटामिन सी है इसीलिए इस कलर का है और ये वाटर बेस्ड है। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको इसे लगाना है। और इसे लगाने के बाद आपको छोड़ देना है और ये काफी अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो इसी तरह से आप सो जाइए और उसके बाद सुबह जब आप देखेंगे तो एक आपको ग्लो मिलेगा आपके चेहरे पे। ये जो सीरम है आपको ये 2 टाइम्स यूज करना है, नाइट में और डे में आप यूज कर सकते हैं। और अच्छे से ये जब एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे छोड़ देना है ऐसे ही। और आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है, सिर्फ ये सीरम लगाया है। तो आप देख सकते हैं कितना ग्लो आ रहा है मेरी स्किन पे। और अगर आप इसे डेली यूज करते हैं 2 टाइम्स और 10 डेज में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा रेडियंट लगने लगी है, आपकी स्किन से फाइन लाइंस खत्म होने लगेंगी, रिंकल्स खत्म होने लगेंगे। तो रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म कर देगा ये सीरम। और ये जो क्रीम है बहुत ही अच्छी है, स्किन को अच्छे से नरिश करती है। तो ये भी आप डे टाइम में लगा सकते हैं, आफ्टर बिफोर मेकअप आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा, उसके बाद मेकअप भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है इसके ऊपर से। तो ये काफी अच्छी है क्रीम एंड सीरम। अगर आपको ये यूज करना है, आपको लेना है, तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पे क्लिक कीजिए, तो वहां से आप ले सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो गाइज, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड आपको पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।